बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से हम ये सीओ क्लब का और ये मैनेजमेंट हाउस का एक सेशन का आगाज़ करते हैं। और ये एक रेगुलर एक फीचर है जी, रोशनी का सफ़र इसका नाम है। और ये एक स्पेशल ट्रांसमिशन है, पिछले कोई 2 महीने से जारी है और कोई 100 से ज़्यादा सीओज और हाई प्रोफाइल्स और सेलिब्रिटीज़ के हमने कॉन्वर्सेशन किया है। आज की जो हमारी शख्सियत हैं वो माशाल्लाह तारुफ की मोहताज नहीं, समीर सलीम साहब जो सीईओ हैं और लिबर्टी बुक्स के, और ये बहुत बड़ा इनका जो है एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड सोसाइटी के लोगों को। समीर, आपके लिए एक ओपनिंग जुमला है। अक्सर मैं किताबों जो पढ़ने वाले या किताबों को जो काम करने वालों के लिए कहता हूँ कि सर आप क्या करते हैं, तो अक्सर मैं एक डेडिकेट करता हूँ कि जी आईने बेचते हैं अंधों के शहर में, कि आप जो लोग होते हैं लोगों को आईने बेचते हैं कि जनाब जी ये सीख लो, कुछ पढ़ लो, वरना डिजिटल जमाने में लोग किताब से दूर हो गए। तो वेलकम समीर सलीम, वेलकम टू द दिस रोशनी का सफर। थैंक यू वेरी मच समीर। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जर्नली एक इस वक्त जो ग्लोबली जो कोविड के हवाले से, मैं कोई वो क्वेश्चन नहीं करूंगा जो हर बंदा सबको चीजें जो इन्फॉर्मेशन पाता है, मुझे ये बताया कि व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कोविड के क्या चैलेंजेस हैं, क्या लेसन लर्न किया आपने इस 1.5-2 महीने में, और बुक्स की जब दुकानें भी बंद हो चुकी हों तो क्या लेसन्स लर्न किए आप, प्लीज ओवर टू यू। आई थिंक इजाज साहब, पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि दिस इज अ ग्लोबल क्राइसिस, इट इज नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इट इज इन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। एट द सेम टाइम ये भी समझने की जरूरत है कि वी हैव बीन थ्रू सच क्राइसिस बिफोर। अगर आप 1930s का ग्रेट डिप्रेशन देखें, अगर आप 9/11 के बाद एक ग्लोबल क्राइसिस जो आया था उसको देखें, 2007-2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखें, और अब ये कोरोना वायरस है। तो वी हैव बीन थ्रू दीस क्राइसिस एंड वी हैव कम आउट ऑफ दीस क्राइसिस एज वेल। तो आई थिंक सबसे पहले हमें ये करने की जरूरत है कि वी नीड टू गेट फेयर आउट ऑफ आवर सिस्टम, वी नीड टू पुट फेयर ऑन द बैक बर्नर एंड अंडरस्टैंड कि हाउ डिड वी कम आउट ऑफ दोस क्राइसिस। क्योंकि जब तक हम उसको स्टडी नहीं करेंगे और जब तक हम अडेप्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे, तो वी कैन नॉट एंड वी विल नॉट सर्वाइव दिस क्राइसिस। सो दैट इज माय टेक ऑन द सिचुएशन एंड दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। तो इसका मतलब है कि मैंने कहा ये जो अडेप्टेबिलिटी, आपने बड़ा प्यारा लफ्ज बोला है, ये अडेप्टेबिलिटी को कैसे आप डिफाइन करते हैं कि कैसे लोग इस वक्त जो एक फियर फैक्टर है इतना ज्यादा आ गया है, तो उसको कैसे अडेप्ट करेंगे, क्या आप स्ट्रेटजी शेयर करते हैं? देखिए, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ हमारी इंडस्ट्री का। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द 20th of March गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि ऑल शॉपिंग मॉल्स जहां पर हमारी बुक स्टोर्स भी बेस्ड हैं और काफी और ज्यादा ब्रांड्स भी हैं, दे वर शट डाउन। All standalone stores, मतलब streets वगैरह में, they were also shut down. But you see, there is always an opportunity in crisis. What we did see was कि हमारी जो online sales थी, they saw a surge, an increase in orders. And frankly speaking, we were not ready for that surge because इतने customers को orders deliver करना और on time deliver करना is not easy. But what did it do? So we need to look at it positively. What it did was कि we sat down with our team. And we understood कि क्या हमें challenges आ सकते हैं, क्या हमें issues आ सकते हैं अगर हमारे orders future में भी इस तरह बढ़ते हैं। So for the first time in 2 years, we sat down and we built a roadmap for the next 2 years कि हमें कैसे उसके साथ cope करना है और क्या क्या चीजें हमें करनी होंगी उस challenge को overcome करने के लिए। So I think people need to drive fear at the back and find new opportunities, new models of business within their current business as well. क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि जी मतलब हमने जो है वो यही करना है और इसी तरह से चीजों को चलाना है, तो ऐसे नहीं चलेगा। We have to adapt ourselves to the new normal. This is my take on the situation. तो आप मुझे ये बताइए कि जो रीडिंग्स के हवाले से, जो आजकल जो क्योंकि किताबों की क्या इंपॉर्टेंस है कि लोगों ने ये ऑनलाइन आपसे ऑर्डर किए और आपने डिलीवर किया, तो चीजें तो जारी बात अचानक आपके जहन में आई, लोगों का रीडिंग हैबिट क्या रही है ड्यूरिंग दिस ये 2 months कोविड, और ये खासकर जो सीईओज हैं, ये आपने स्टडी किया कि किस किस्म की किताबें पढ़ते रहे, क्या लोगों के ट्रेंड्स रहे, व्हाट वर द ट्रेंडिंग इन द कोविड? अगर आप सीईओज की बात करें तो देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी विद इन ऑर्गेनाइजेशंस, एंड एट द सेम टाइम नाउ दिस इज अ न्यू टॉपिक व्हिच हैज कम अप व्हिच इज रिमोट वर्क मैनेजमेंट।
तो लोग हमसे किताबें मांग रहे हैं ऑन रिमोट वर्क कि किस तरह से पीपल कैन वर्क फ्रॉम होम, किस तरह से यू डोंट नीड टू बी इन द ऑफिस एनी मोर, एंड आई थिंक दिस विल बी अ ग्रोइंग टॉपिक जब तक आपकी वैक्सीन नहीं आती. सो पीपल विल लुक फॉर वेज टू वर्क आउटसाइड द ऑफिस. तो अब वो फैंसी ऑफिस का भी कल्चर जो है मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुझे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है. सो दैट्स द ट्रेंड. मुझे ये बताइए कि जो जो किताब है, आप समझते हैं कि डिजिटल जब एज आई है, ऑनलाइन इतना कुछ अवेलेबल है, और ख़ासकर कोविड में तो कई यूनिवर्सिटियों ने, लाइब्रेरी ने अपनी किताबें फ्री ऑफ लोगों को एक्सेस भी दिया कि आप पढ़ें, तो क्या चेंज समझते हैं कि फिजिकल किताब का जो आज भी दौर है, या लोग ज़्यादातर जो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जो जो सिस्टम चला है तो लोग उधर शिफ्ट हो गए हैं, व्हाट इज़ अ चेंज यू हैव विटनेस्ड? देखें, आई थिंक सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि द चेंज इज नॉट बिटवीन फिजिकल बुक्स एंड ई बुक्स, द चेंज इज बिटवीन रीडिंग वर्सेस फिजिकल बुक्स और ई बुक्स. प्रॉब्लम हमारे यहाँ रीडिंग का है, रीडिंग की अवेयरनेस नहीं है, लोग अपने डिवाइसेस में लगे हुए हैं और रीडिंग की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है. यू नो देयर इज अ रिसर्च व्हिच सेज कि आजकल का जो मैक्सिमम अटेंशन स्पैन है ऑन एन एवरेज इज नॉट मोर देन 10 मिनट्स, और किताब पढ़ने के लिए यू नीड टू स्पेंड एट लीस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स ऑन अ गुड बुक, वरना आप उस किताब को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते ना. नहीं कर सकते. तो जब तक लोगों का अटेंशन स्पैन डिवाइसेस से जो है वो नहीं हटेगा, तो वो रीडिंग की तरफ कैसे आएंगे? तो देखिए, मैं तो कहता हूँ फिजिकल बुक पढ़े या ई बुक पढ़े, किताबें पढ़नी चाहिए. सो द वॉर इज बिटवीन अटेंशन एंड रीडिंग, द वॉर इज नॉट बिटवीन फिजिकल बुक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक बुक्स एनीमोर. This is what our data shows and this is what our research has been. ये जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या आप ग्लोबल बात कर रहे हैं, रीडिंग हैबिट्स स्पेशली कोविड के अंदर तो लोगों ने बहुत किताबें पढ़ी हैं, मूवीज देखी हैं, तो आप ये क्या समझते हैं कि ये हैबिट्स दोबारा वापस लौट के आई है, क्योंकि लोगों के पास तो करने को कुछ नहीं था, लोग तो घरों में बैठे हुए थे, तो उसमें क्या आपका डेटा या स्टेटिस्टिक्स क्या कहता है, रिसर्च क्या कहती है? देखें, लोग आए हैं किताबों की तरफ, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मतलब पीपल हैव नॉट बीन रीडिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन, लेकिन देन अगेन द इंटरेस्ट दैट शुड बी देयर, द इनकरेजमेंट दैट नीड्स टू बी देयर स्पेशली फ्रॉम पेरेंट्स. मैं अगर आपको मतलब कहूँ तो पेरेंट्स एंड स्कूल्स कैन प्ले अ मेजर रोल इन इनकलकेटिंग अ रीडिंग हैबिट फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड. अगर मतलब ये हैबिट को वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन दे, मैं हमेशा मतलब कुछ मेरे दोस्त हैं हुआ पेरेंट्स, आई ऑलवेज टेल देम कि यू स्पेंड 1000 रुपीज ऑन अ फास्ट फूड मील, बट अगर मैं आपसे कहूँ कि 800 रुपए स्पेंड करने किताब के ऊपर, तो यू विल नेवर स्पेंड इट, यू विल से कि ठीक कोई बात नहीं है, 200 रुपए की किताब जो है वो आप ले रहे. हालांकि दैट फास्ट फूड मील इज ओनली गोइंग टू डैमेज योर चाइल्ड सेल्फ, बट अ बुक एट द सेम टाइम इज गोइंग टू एनहेंस देयर नॉलेज, देयर स्किल, एंड ऑल्सो हेल्प देम इन सम वे इन द फ्यूचर. तो अक्सर मैं उनसे कहता हूँ कि ये लॉजिक मुझे जो है वो समझ में नहीं आती है. मुझे ये बताइए कि अभी हम बात कर रहे हैं समीर, रीडिंग्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या फिजिकल किताब को हम पढ़ते हों, मुझे ये बताएं कि असल चीज है राइटर्स. आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो राइटर्स कहाँ चले गए? क्या राइटर्स का या कोई फुकदान है रीडिंग को, जो इतना अच्छा कॉन्टेंट लिखे, या तो जो कि मजबूर कर दे रीडर्स को पढ़ने के लिए, खासकर लोकल कंटेंट की बात कर रहा हूँ, तो क्या लोकल कंटेंट या किताबें के जो राइटर्स हैं, जैसे हम इश्फाक अहमद पढ़ते थे, बानो कुदसिया पढ़ते थे अपने जमाने में, और हम पागल होते थे, इजवन बचपन में हम इमरान सीरीज के पीछे पागल होते थे, तो हमारे पास तो एक बड़ा एक खजाना होता था, ठीक है? तो आजकल के जो बच्चों के हवाले से बताइए, क्या बच्चे राइटिंग में या मेच्योर लोग राइटिंग की तरफ आ रहे हैं, कि नई किताबें ऐसी लिखी जा रही हैं, चाहे वो नावल्स हो, फिक्शंस हो, या कोई सीरियस किताबें हो, मैनेजमेंट हो, तो और वो प्रोड्यूस हो रही हो, आपकी क्या इसमें टेक है? अच्छा इजाज भाई, उसमें ये है कि रिसेंटली इन द लास्ट 1 ईयर वी हैव स्टार्टेड आवर ओन पब्लिशिंग हाउस बाय द नेम ऑफ लिबर्टी पब्लिशिंग, एंड वी हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड अबाउट 10 नॉवेल्स विद द आइडिया कि हमारे पास अक्सर ये रिक्वेस्ट आती थी लोगों की. देखिए, इंटरेस्ट तो बहुत है राइटिंग के अंदर, लोकल ऑथर्स भी हैं और बहुत सारे ऐसे टीनेजर्स हैं और बच्चे भी हैं जो लिखना चाहते हैं किताबें. तो आई मीन दैट शुड कम एज अ माइट कम एज अ शॉक टू पीपल कि बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं किताबें लिखने में, बट ऐसा है. बट देर आर मेनी पीपल हु आर अप्रोचिंग अस विद स्क्रिप्ट्स एंड विद मेनी नॉवेल्स कि इसको आप हमें हेल्प करें पब्लिश करने में. एंड हमारा भी ये कॉन्सेप्ट है उस पब्लिशिंग के पीछे कि वी वॉन्ट लोकलाइज कॉन्टेंट
मतलब स्टोरीज विच आर बेस्ड इन योर मेजर सिटीज लाइक लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ताकि लोग उससे जो है वो रिलेट कर सकें। अक्सर हम पढ़ते हैं ना वो बाहर की कहानियां हम पढ़ते हैं तो उससे कभी कोई हम रिलेट भी नहीं कर पाते हैं। सो द होल आइडिया इज कि यहीं पर हम पब्लिश करें क्वालिटी नॉवेल्स एट अ गुड लो कॉस्ट प्राइस। दैट इज आवर गोल विद द पब्लिशिंग इनिशिएटिव। माशाल्लाह, इसका मतलब है कि आप राइटर्स को एक, मैंने अक्सर देखा है जो अच्छे राइटर्स होते हैं उनकी किताबें 1,000 से ज़्यादा, 1,000 से ज़्यादा उनका पब्लिश नहीं होती, और दूसरी बात वो मुफ्त में बांट रहा होता है जो राइटर होता है, उसके लिए फाइनेंशियली कोई गवर्नमेंट लेवल पे आप पब्लिशिंग हाउस और भी कोई ऐसे राइटर्स या ऐसे बच्चों को सपोर्ट, कोई ऐसा सिस्टम है कि राइटर्स को इनक्रेज किया जाए कि यार कम अज़ कम तुम किताब दो, हम तुम्हें रॉयल्टी भी देंगे और तुम्हें पैसे भी देंगे, रादर के वो बेचारा अपनी जेब से पैसे किताब छिपवाए। तो वट आर द इंसेंटिव एग्जिस्ट इन द मार्केट टू टू सपोर्ट द यंग राइटर्स? देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब ऐसा तो कोई प्लेटफॉर्म हमने नहीं दिया जिसके अंदर हम फुली उनके प्रोजेक्ट को फंड करें, बट देर आर पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट दैट वी कैन फंड फंड। फॉर एग्जांपल उसकी मार्केटिंग हम देख सकते हैं, हम उसको राइट प्रिंटर के पास जो है वो कोऑर्डिनेट करवा सकते हैं, वी कैन हेल्प विद द एंटायर पब्लिशिंग प्रोसेस। बट फुली फंड करने की अगर आप बात करें तो देर इज नो प्रोग्राम फ्रॉम आवर साइड एट द मोमेंट, बट आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया एंड वी विल डेफिनेटली टेक इट अप। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट अप। थैंक यू। अच्छा, क्योंकि मैंने राइटर्स को, मैं खुद इसमें रहा हूँ पिछले 10-12 साल से किताबों में, तो मुझे ये पापड़ बेलने वाला प्रोसेस है जो आप बता रहे हैं ना, ये पापड़ बेलने पड़ते हैं कसम से। कोई प्रिंटर, कोई कंपोजर, कोई उधर से बाइंडिंग वाला, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इसके इतने स्टेप्स हैं। तो अगर राइटर्स को अगर ये आप जैसे लोग वाकई गाइड करें सही मानों में, कॉस्ट इफेक्टिवनेस आए, तो हम बड़े यंग राइटर्स को, हमारे पास भी बड़े हैरी पॉटर लिखने वाले लोग मौजूद हैं कि जो दुनिया को आगे लगा सकते हैं। मुझे ये बताइए कि जो रीडिंग है, जो हैबिट है, वो हमारी इमेजिनेशन, हमारी क्रिएटिविटी पे, एक बंदा जो किताबें पढ़ता है और जो किताबें नहीं पढ़ता, चाहे वो डिजिटल पढ़े या फिजिकल पढ़े, उसकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वो क्या फर्क आता है, आप क्या क्या कहते हैं? देखिए मेरे हिसाब से अगर कोई फॉर एग्जांपल बायोग्राफी पढ़ता है, नाउ अ बायोग्राफी अबाउट अ फेमस एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटी, तो आपको 1,000 रुपए की किताब में उसकी पूरी की पूरी लाइफ जर्नी जो है वो मिल जाती है कि उसने वो क्या स्टेप्स लिए उस सक्सेस के मकाम पर पहुंचने तक। सो आई मीन ऐसी इंफॉर्मेशन और ऐसा डेटा आपको कहाँ मिलेगा, मतलब अबाउट एनी पर्सन हु हैज बीन सक्सेसफुल और एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट मैटर इज वेल। आप किसी भी टॉपिक को उठा लें, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को देख लें, उनके बारे में कोई ना कोई किताब जो है वो लिखी हुई होगी, हमारे शेल्फ पे आपको मिलेगी, हमारे शेल्फ पे नहीं मिलेगी तो अमेजोन पे तो मिल ही जाएगी आपको वो किताब जो है। सो कहने का मकसद ये है कि देयर इज सो मच इन्फॉर्मेशन इन बुक्स दैट इट कैन मोटिवेट यू, इट कैन इंस्पायर यू एंड इट कैन मेक यू डू थिंग्स इम्पॉसिबल एज वेल। जबरदस्त। एक और बड़ा एक ऑब्जर्वेशन है समीर, आपकी गाइडेंस चाहिए, आपकी रहनुमाई चाहिए, वो ये है कि आजकल एक वीडियोस का जमाना है। आप जो भी किताबें आप होते हैं तो लोग, बड़े बड़े राइटर्स की जो की किताब पॉइंट्स होते हैं, ट्रेनर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक वन ऑफ द फेमस बुक है, इस तरह की किताबों को उन्होंने अब वीडियो में डाल दिया ताकि लोग 5 मिनट 7 मिनट, क्योंकि वीडियो देखने का भी लोगों का अटेंशन स्पैन नहीं है कि घंटे की वीडियो देखें, तो 5-5 मिनट के जो बाइट चंक साइज वीडियोज हैं उस किताब की समरी प्रेजेंट की जाती है, उसके ऊपर क्या राय है कि क्या ये सब्स्टिट्यूट है किताब का, जो ये जो शॉर्ट वीडियोज है विद की लर्निंग्स, आपकी क्या राय है? देखिए ये जो शॉर्ट समरी वीडियोस हैं इनके बारे में ये है कि दे आर गुड टू रीड बट दे विल नॉट मेक यू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ ईच बुक। जो डिटेल में आप लर्निंग एक पूरी किताब पढ़ के उठा सकते हैं वो एक सिर्फ समरी से जो है वो आपको नहीं मिल सकता। और समरीज के अंदर मैं आपको बताऊं कि डिटेल में चीजें जो है वो कवर्ड भी नहीं होती है, मतलब वो ऊपर ऊपर के पॉइंट्स तो आपको पता लग जाएंगे लेकिन इन डिटेल कोई चीज आपको जो है वो समझ में नहीं आएगी। So that is my view on book. मतलब अगर आपको इंस्पिरेशन लेनी है, की पॉइंट्स है वो ठीक है, लेकिन अगर आपको डिटेल और उसकी जो सोल को जाना है तो वो आपको पूरी किताब की तरफ जाना है, नो सब्स्टिट्यूट। आई थिंक आपने बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया है, सोल अगर कोई किताब का आपने जानना है तो देयर इज नो वे बट टू रीड द एंटायर बुक। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको अंदर उतर। मुझे ये बताइए कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ बुक स्टोर्स, क्योंकि अब ये सारा जो डिजिटलाइजेशन हो रही है, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, तो समीर मुझे इसमें ये गाइड कीजिए अपने सुनने वालों दोस्तों को,
कि ये अब बुक स्टोर का फ्यूचर क्या है, जैसे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया, आपने खुद ही कहा कि शायद फैंसी किस्म की ये ऑफिसेस नहीं चाहिए, तो क्या फैंसी किस्म की बुक स्टोर चाहिए? व्हाट इज योर टेक? बिफोर यू मूव ऑन टू ये जो आपने आफ्टर बुक स्टोर्स का जो आप कहना है, कैन आई मेक अ कमेंट अबाउट फैंसी ऑफिसेस? यस यस, वो ये कि ऑर्गेनाइजेशंस को मैं कहूंगा कि दे कैन ऑल्सो प्ले अ ह्यूज रोल इन प्रमोटिंग रीडिंग अमंग्स देयर एम्प्लॉइज. मतलब अपने लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर्स के जो शेल्फ हैं, बुक शेल्फ हैं, वो मैंने देखे, उनको खाली ना रखें, उनको प्लीज किताबों से भरें एंड इंकरेज रीडिंग एज अ हैबिट अमंग्स्ट योर एम्प्लॉइज. तो ये बड़ा जरूरी है. स्टॉप स्पेंडिंग मनी ऑन फैंसी ऑफिसेस, स्टॉप स्पेंडिंग मनी ऑन फैंसी फूड. इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस इन एनी वे. व्हाट इज गोइंग टू हेल्प देम इज नॉलेज एंड स्किल. ये इन्फॉर्मेशन इकोनॉमी बनने जा रही है, तो मतलब इसके अंदर जो है नॉलेज एंड स्किल ही काम आएगा, और कोई चीज काम नहीं आने वाली. सो दिस इज माय एंड और समीर, आई सपोर्ट यू. ये मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ. मैंने पिछले 2 महीने में पाकिस्तानी टीवी कम देखा है और फॉरेन चैनल्स देखे हैं, जो BBC है, CNN है. तो मैंने ये देखा कि जब भी वो जो एंकर होते हैं, जब किसी बंदे को, डॉक्टर हो चाहे वो कोई भी किस्म का प्रोफेसर हो, जब उसको वो ऑनलाइन लेते हैं तो उसके पीछे किताबें होती हैं. तो मैंने देखा कि जितने भी मेरे ख्याल अगर 100 बंदों को उन्होंने 2 महीनों में अगर एक BBC ने ऑनलाइन लिया कि सर आपकी राय क्या, कॉपी, चाहे वो दुनिया के किसी मुल्क में हो, चाहे वो लंदन में हो, चाहे न्यूयॉर्क में हो, चाहे वो टोक्यो में बैठा हो, तो उस डॉक्टर, उस प्रोफेसर, उस बंदे, उस जर्नलिस्ट के बैग पे पूरा किताबों की रैक्स होते हैं. तो मैं समझता हूँ कि मैंने पाकिस्तानी कभी आज तक कभी किसी बंदे के पीछे बुक्स नहीं देखी कि उनके पीछे, हालांकि वो डिजिटलाइजेशन में हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके उनके पास घर में किताबें जरूर मौजूद हैं. एक्चुअली मैं आपकी बात से फुली अग्री नहीं करूंगा. जो मैंने रिसेंटली कुछ इंटरव्यूज वगैरह देखे हैं ऑन पाकिस्तानी टेलीविजन, आई हैव सीन बुक्स बिहाइंड पीपल. बल्कि मैंने कुछ पॉलिटिशियंस की भी वीडियोस देखी हैं जियो वगैरह पे, जिनके पीछे किताबें थी, दे वर टॉकिंग अबाउट बुक्स एज वेल. सो आई वुड नॉट फुली अग्री, बट यस, मतलब बाहर आपको वो चीज जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है. यू राइट अबाउट दैट. समीर, असल में जो पाकिस्तान में जो किताबें होती है ना, वो दिखाने के लिए होती है. सो कहते हैं किताबें पढ़ी हुई हैं, पढ़ी नहीं हुई हैं. रिपीट कर रहा हूँ, पढ़ी हुई हैं लेकिन पढ़ी नहीं हुई हैं. इनके दे आर प्लेस्ड बट दे आर नॉट रेड. मैंने अक्सर लोगों के घर में किताबों की एक ऐसी किताबों की कलेक्शन देखता हूँ. मैंने अक्सर पूछता हूँ कि सर इसमें से कितनी किताबें पढ़ी हुई हैं, कहते हैं ये पढ़ी हुई हैं लेकिन पढ़ी नहीं हुई हैं. तो लोगों के अंदर अच्छा जी, एक और मुझे चीज बताइए. आपने इम्प्लॉयज की बात की, इम्प्लॉयज को लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो अदारे हैं, ये बड़ा अच्छा कीमती पॉइंट है कि कंपनीज के ये प्रमोट करनी चाहिए किताबें. वो अक्सर लोगों का एक ऑब्जेक्शन है. समीर, आप इसमें बताइए कि किताबें बड़ी महंगी हो गई हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव. जैसे खासकर जो रियल किताब, जो इम्पोर्ट, एक होते हैं पायरेटेड बुक्स, एक होती हैं रियल जो जेन्युइन आप किताबें खरीद के बेचते हैं. वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जहाज किताबें, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर घर महंगी हैं किताबें, कहते हैं कि कब्रों पे लिखे, ये आपके लिए एक शेर है कि कब्रों पे लिखे कतबे पढ़ा करो, कब्रों पे लिखे कतबे पढ़ा करो, अगर महंगी हैं किताबें तो चेहरे पढ़ा करो. तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ अगर आप किताब महंगी लग रही है तो इंसानों को पढ़ना शुरू कर दें. मुझे ये बात बताइए कि रीडर्स आर लीडर्स एंड लीडर्स आर रीडर्स. अगर हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को लीडर बनाना चाहते हैं तो रीडर्स आर लीडर्स. व्हाट इज योर टेक कि हम अपनी ये जो लीडर्स को कौन सी किताबें पढ़ाएं बच्चों को, यह खासकर जो जो नई नस्ल को, कि हम उनको लीडर्स बना सकें? क्योंकि लीडर्स एज पर माय रिसर्च के एक जो अच्छा CEO है या अच्छा लीडर है वो कम से कम एक साल में 60+ जो 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 टाइटल्स है ना ये किताब पढ़ता है. पाकिस्तान की आपकी क्या रेशियो है और कैसे हम अपनी लीडर्स और रीडर्स पे फोकस कर सकते हैं? ओवर टू यू. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट, मतलब ये मैं आपको जरा एक कोट दिखाना चाह रहा हूँ. ये बहुत एक फेमस चिल्ड्रन बुक्स के ऑथर हैं, इनका नाम है डॉक्टर सूस. ये कहते हैं द मोर यू रीड द मोर थिंग्स यू विल नो, द मोर दैट यू लर्न द मोर प्लेसेस यू विल गो. ओके, तो कहने का मकसद है कि द मोर बुक्स दैट यू रीड इज प्रोपोर्शनली डायरेक्टेड टुवर्ड्स योर सक्सेस इन लाइफ. दिस इज माई थिंकिंग. मैं ऐसा सोचता, आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई एम अ बुक सेलर, बट आई एम सेइंग इट बिकॉज आई हैव सीन पीपल फ्रॉम वेयर दे हैव गॉन एंड व्हाट दे हैव अचीव्ड जस्ट बाय. One of the major factors for that was reading books and learning from books. So coming back to your question, I think ये एक combined effort होना चाहिए youth में
और बच्चों में जो है वो रीडिंग वापस लेके आने के लिए आई थिंक इट इट हैज टू बी डन, जैसे कि मैंने कहा फ्रॉम पेरेंट्स एंड स्कूल्स, इट हैज टू बी डन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस, एंड इट हैज टू बी अ माइंडसेट चेंज जिसके अंदर गवर्नमेंट को भी जो है कोई ना कोई अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए रीडिंग के ऊपर. अगर आप कहते हैं रीडर्स आर लीडर्स, तो द लीडर्स ऑफ टुमारो शुड बी वेल रेड, एंड द ओनली वे टू मेक देम रीड इज हमारे साथ कोलैबोरेट करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करें. वी आर रेडी टू कोलैबोरेट विद द गवर्नमेंट एंड एंड स्प्रेड द वर्ड अबाउट रीडिंग. जैसे कि पहले भी मैंने आपसे कहा द बैटल इज नॉट बिटवीन फिजिकल एंड ई बुक्स, द बैटल इज फॉर रीडिंग. True. वी मस्ट गेट आवर यूथ एंड आवर पॉपुलेशन टू स्टार्ट रीडिंग समहाउ. हाँ और बिल्कुल अगर ठीक है। किताबों इफ दे मतलब इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू रीड, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ किताबें लेकिन वेयर शुड आई स्टार्ट. मैं कहता हूं कि अगर आपका कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो आप देख लें. अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप करंट अफेयर्स में इंटरेस्टेड हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनिमेशन, तो बच्चों की किताब कोई खोल दें उसके अंदर जो है एनिमेशन होती हैं. अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, वी हैव समथिंग फॉर एवरी वन एट आर बुक स्टोर. इफ यू कांट फाइंड समथिंग एट आर बुक स्टोर, गो टू अमेजोन एंड बाय इट. द होल आइडिया इज दैट पीपल शुड बी रीडिंग आप एंड मुझे उसका कोई एक स्टार्टिंग कोई इंटरेस्ट सब्जेक्ट आपका जहां भी आप उसको पिकअप कर लें. मुझे एक और बड़ा बड़ा सेंसिटिव सा क्वेश्चन है, वो ये है जी कि जो अभी हमने कॉरपोरेट की बात की, सीईओस की बात की और एम्प्लॉयज़ की बात की कि उनके किताबें पढ़नी चाहिए। मुझे ये बताएं कि जो घरों में खवातीन हैं, मॉम्स जिसे हम कहते हैं, इनके बच्चे जी हैं, चाहे वो पढ़ी लिखी हैं चाहे वो नॉर्मल पढ़ी लिखी हैं, उनका क्या रोल है? क्योंकि अल्टीमेटली जो आप बात कर रहे हैं हैबिट की, रीडिंग हैबिट की, वो यूजली वो या तो उस्ताद उनके अंदर डालता है फोर्सफुली, या माँ प्यार मोहब्बत से, या बाप जो होता है वो बच्चों को रीडिंग की तरफ लेके आता है। क्या कमी है जी पेरेंटिंग पेरेंटिंग की, क्या रोल है पेरेंट्स का, मदर एंड फादर का, इन डेवलपिंग द हैबिट्स ऑफ रीडिंग क्वालिटी बुक्स बाय द न्यू जनरेशन? ओवर टू यू। आई थिंक व्हाट इज लैकिंग इज प्रायोरिटी इजाज भाई, कि प्रायोरिटी नहीं दी जाती रीडिंग को. व्हाट वी नीड टू डू इज मेक प्लेसेस इन आर होम व्हिच आर पर्टिकुलरली फॉर रीडिंग टाइम, एंड मेक अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द डे जिसके अंदर घर में सबने बैठ के आपस में किताबें पढ़नी है. ये जो एक कल्चर पहले एक जमाने में था कि एक टाइम मुकर्रर था जिसके ऊपर सब बैठ के किताबें पढ़ते थे साथ बैठ के. सो आई थिंक वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम आर डिवाइसेस एंड पेरेंट्स नीड टू इनकलकेट दिस हैबिट अमंग्स देयर चिल्ड्रन कि जी मतलब डिवाइस नो, बुक्स यस. सो आई थिंक दैट इज द कल्चर दैट वी नीड टू अडॉप्ट. और पेरेंट्स का चाहे वो मदर हो या फादर हो, उन दोनों का जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इन इनकल्केटिंग दिस हैबिट अमंगस्ट चिल्ड्रन. मतलब ये कि माँ बाप का रोल की है कि ये हैबिट जो होती है बच्चों के अंदर इंस्टिल करें। नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट, मुझे ये बताइए कि जो कोविड के हवाले से इस वक्त का जो सबसे ज़्यादा सीरियस इशू है इस वक्त, वो चैलेंज आ रहा है इस वक्त डिप्रेशन का, क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो माइट बी फिजिकली लेवल पे जो परसेंटाइल में बात करें तो वो बहुत कम है जो लोग जो डेथ बेड पे जाते हैं, अल्लाह के पास चले जाते हैं, लेकिन जी डिप्रेशन ने सोसाइटी को खा लिया है इस वक्त। इतना वहम, इतना खौफ के लोग कहीं पता नहीं कुछ हो ना जाए, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? हाउ टू कम आउट ऑफ, व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज यू रिकमेंड के हम इसको कोप करें विद दिस काइंड ऑफ फियर एंड डिप्रेशन ऑफ दिस अंडर द कोविड-19? ओवर टू यू। नॉट ओनली डिप्रेशन इजाज भाई, आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड के रीडिंग के और कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट डिप्रेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 264 मिलियन पीपल एट दिस पॉइंट इन टाइम इन द वर्ल्ड आर डिप्रेस्ड. ठीक है, 264 मिलियन पीपल. उसमें हार्वर्ड ने एक स्टडी की कि रीडिंग नॉन फिक्शन सेल्फ हेल्प बुक्स, सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स रिड्यूसेस योर डिप्रेशन इनिशियली बाय 20%. नॉट अल्लाह ओनली दिस, डॉक्टर्स आर रिकमेंडिंग, क्योंकि देखें डिप्रेशन के अलावा जो सेकंड इशू है वो स्लीप का है कि पीपल डोंट स्लीप प्रॉपरली. लोग कहते हैं मुझे नींद नहीं आती, तो मैं कहता हूं कि मतलब डॉक्टर्स जो है दे आर रिकमेंडिंग कि भाई यू रीड एटलीस्ट 20 मिनट्स एवरी डे बिफोर गोइंग टू बेड. नाउ उस 20 मिनट्स में क्या होता है कि जब आप अपना डिवाइस छोड़ते हैं, किताब आप खोलते हैं, तो इट सेंड्स एन ऑटो सिग्नल टू योर ब्रेन के यू नीड टू वाइंड डाउन. ठीक है, आपकी स्लीप क्वालिटी, नाउ दिस इज अनदर रिसर्च which was done, कि आपकी स्लीप क्वालिटी बाय ओनली रीडिंग फॉर 20 मिनट्स इंक्रीजेस बाय 30% इनिशियली, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं तो देयर आर मोर हेल्थ बेनिफिट्स एज वेल. सो मेरा कहने का मकसद यह है कि या एक नींद की गोली खा लें या मतलब एक किताब पढ़ लें.
वाह वाह वाह, सो आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल चॉइस। वो एक थोड़ा लाइटर लाइटर मूड में मैं अक्सर वो मुश्ताक यूसुफी का ये जुमला शेयर किया करता हूँ कि कहते हैं कि नींद की गोली मेरी बीवी खाती है, नींद की गोली मेरी बीवी खाती है और सुकून मुझे मिलता है। हाँ जी, नींद सर दर्द की गोली वो खाती है और सुकून मुझे मिलता है। तो मुझे ये बताएं कि ये कोई आपने ये कल्चर भी बनाया समीर, आपने लिबर्टी बुक वालों ने, के फैमिली रीडिंग का आपने कुछ सेशंस करते हो आप अपने, क्योंकि आपके पास ये भी है कि जो राइटर्स होते हैं आप उनको लॉन्च करते हैं, उनकी आप बुक लॉन्चेस करते हैं, उनको सपोर्ट करते जी हैं, जो भी नया राइटर होता हो आप अपने उसको लोगों को जी चाय का प्याला भी पिलाते हैं कि आओ एक रीडिंग बुक लॉन्च हो रही है, उसका कोई जी अच्छा राइटर को मोटिवेशनल बिल्कुल स्पीकर्स को आपने पूरा किया था, तो उसका क्या लोगों का रिएक्शन था, क्या उसकी जो बेनिफिट्स लोगों ने लिए जो आपकी इस CSR के ऊपर जो आप कर रहे होते हैं, व्हाट व्हाट डू यू से? राइटर्स के साथ तो हम काफी सेशंस करवाते हैं, नॉट ओनली बल्कि लोकल राइटर्स के साथ ही करवाते हैं। फॉरेन राइटर्स तो आते नहीं है अब पाकिस्तान, पहले एक जमाने में जो है वो आया करते थे, बट बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन दे डोंट कम एनी मोर। बट उसके अलावा हम चिल्ड्रंस के भी सेशंस जो है वो काफी करवाते हैं, चाहे वो स्टोरी टेलिंग सेशंस हों, वो आर्ट एंड क्राफ्ट सेशंस हों। तो एवरी मंथ देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन एट आवर स्टोर, एवरी मंथ देयर वाज अ कैलेंडर व्हिच इज पुट ऑन फेसबुक, उसके ऊपर जो है वो अपडेट्स आती रहती हैं कि अब कौन सा नया सेशन हमारा हो रहा है। लेकिन ड्यू टू द करंट सिचुएशन अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी और हमें वो सेशंस को ऑनलाइन जो है वो लेके जाना पड़ेगा, यस बिकॉज आई यस डोंट यस थिंक पब्लिक इवेंट विल बी अलाउड फॉर द नियर फ्यूचर। तो तो आपने सबकी इसके सेफ्टी ऊपर, जो है वो ध्यान में रखते हुए वील हैव टू यू नो टेक दोज मेजर्स। मैं यही कहना चाह रहा था कि जो सेशन आपके होते थे आप ऑनलाइन कब होंगे, आपने जवाब दे दिया कि अब आपने उसको प्लान 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 में बना लिया है कि आप राइटर्स को और स्पीकर्स को और बच्चों को, और खासकर जो आजकल बड़ी ज्यादा इन है चीज जो ट्रेंडिंग में है वो स्टोरी टेलिंग्स हैं। क्योंकि मैंने हम स्कूल समीर हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे टीचर ने क्वेश्चन किया कि द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ, इस दुनिया कायनात किस चीज से बनी है, तो आगे उन्होंने डैश डैश लगा दिया, तो उन्होंने कहा था किस से बनी है, तो वो सबने हम साइंस पढ़ते थे हमने कहा एटम से बनी है, द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स, तो आगे से उन्होंने कहा नहीं, दुनिया एटम से, ये कायनात है ये दुनिया एटम से नहीं बनी, द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ द स्टोरीज, एवरी ह्यूमन बींग इज अ स्टोरी। तो हमें स्टोरीज को क्योंकि हर जो लिविंग ह्यूमन बीइंग है वो एक पूरी स्टोरी है और हर बंदे के अंदर एक किताब तो मौजूद होती है, उसको बाहर निकालना होता है। मैं तो एक हर बंदे के अंदर, मैं जो लोग होते हैं खासकर जो सीनियर लोग हैं, मैं कहता हूँ सर आप अपने जो जिंदगी में कम से कम और कोई नेकी करें ना करें एक किताब लिख के जाएं, कहते हैं जहाज यार किताब कैसे लिखे, मैं कहा जी मैं आपके साथ एक घंटा बैठता हूँ मैं आपकी स्टोरी निकाल लूंगा उस किताब के शरह में डाल दूंगा, मुझे ये फन आता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जो आपका जो 30-40 साल का जो इल्म है ये नॉलेज है ये कब्र में चला जाए, तो मैं चाहता हूँ ये किताब में आ जाए क्योंकि किताब में रह जाना है जी। तो वो एक लोगों सही को ये बहुत, आप भी एक ऐसी एक मूवमेंट चलाएं कि जो हमारे लेजेंड्स हैं समीर, एक बहुत बड़ा सजेशन है, जो हमारे लेजेंड्स हैं जी किस स्पोर्ट्स में हैं, आइकॉन्स हैं, चाहे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हैं, चाहे हमारी पॉलिटिक्स के हैं, किसी भी फील्ड में हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है, तो आप उनके ऊपर कम से कम या मिला के उन स्टोरीज को कैच करें, आप पब्लिशिंग के साथ एक अपना कंटेंट राइटर बढ़ा दें कि भाई किसी ने किताब हम निकलेंगे, लेकिन आप हमारे साथ एक घंटे का सेशन करें, हम आपके अंदर से 2-3 सेशन में और 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, तो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, किसी भी लेजेंड का 3 हिस्से होते हैं सर, पास्ट में क्या थे, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर में क्या देखते हैं, तो 10-10 क्वेश्चंस बना के 30 क्वेश्चनेयर में आप एक पूरी स्टोरी एक लेजेंड को सर जी, क्योंकि मैंने जहांगीर खान के पास बैठा तो मैंने उनसे पूछा सर आप स्टोरी कहाँ से मिलेगी, जहांगीर खान इज अ ग्रेट इज अ लेजेंड, तो सर जी एक छोटा सा एक नई नस्ल को हमें, आज मैं जहांगीर खान के बारे में पूछता हूँ, अपने जान शेर के बारे में पूछता हूँ, तो समीर अनफॉर्चुनेटली किसी को नहीं पता, नई नस्ल को तो नहीं पता ये हु इज दिस गाय, वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में, हम सिर्फ मूवियां देख के खुश हो जाते हैं, जो रियल लेजेंड्स हैं इनके ऊपर या तो मूवी बननी चाहिए तो समीर या तो इनके ऊपर एक किताब होनी चाहिए, चाहे एक छोटी सी स्टोरी हो छोटी सी मोटिवेट कर सके, क्योंकि जो आपने बोला डिप्रेशन, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो आपके जो रियल हीरोज की स्टोरीज होती हैं वो आपको डिप्रेशन से निकालती है, आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूं कि दिस इज अ वंडरफुल आइडिया, एंड ये बिल्कुल हमने इसके बारे में सोचा है, बट इसके ऊपर हमने काम नहीं किया। दैट इज द डिफरेंस, सोचने में और काम करने में जो है बड़ा फर्क होता है। सो दिस इज समथिंग दैट आई विल डेफिनेटली डिस्कस विद माय टीम, एंड आई थिंक लोकल पर्सनालिटीज के ऊपर मैं आपसे 110% अग्री करता हूँ कि काम करने की जरूरत है,
उनके बारे में स्पेशली बच्चों को जो है वो बताने की जरूरत है कि वो कौन सी पर्सनैलिटीज हैं जिसने आज पाकिस्तान को इस जगह तक पहुंचाया है. तो आई थिंक वी नीड टू स्टडी अबाउट लोकल पर्सनैलिटीज एंड लोकल सेलिब्रिटीज. वी नीड टू नो मोर अबाउट देम. श्योर. एक क्वेश्चन आया है जी हमारे रीडर के, हमारे जो सुनने वालों की तरफ से, कि समी के नई नस्ल की जो बुक रीडिंग जो है उनको कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आती वो मोबाइल में, उसके लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं, इसको कैसे जोड़ा जाए नए बच्चों को किताब के साथ? आई थिंक जिस तरह से मैंने पहले आंसर किया आपको कि बच्चे को देखा जाए कि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट कोई नॉवल या स्टोरी पढ़ना नहीं है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट स्पोर्ट्स है, तो हम उसको स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई किताब हाथ में दें. अगर उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट मूवीज है, तो उस मूवी से रिलेटेड हम कोई उसको किताब दें. अगर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर में वो इंटरेस्टेड है, तो उसी कैरेक्टर से रिलेटेड जो है वो हम किताब दें. मतलब वी हैव टू सी के व्हाट आर चिल्ड्रन आर इंटरेस्टेड इन. हम कोई भी किताब अगर उसके हाथ में दे देंगे तो देयर इज नो गारंटी कि वो उसमें इंटरेस्ट लेके वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा. बट उसके अगर इंटरेस्ट की चीज हम उसको देंगे तो देयर इज अ डेफिनेट चांस ऑफ हिम रीडिंग दैट बुक. थैंक यू. अपना एक छोटा क्वेश्चन और है इस हवाले से कि जो सेल्फ हेल्प की बात की कि 20% डिप्रेशन कम होता है पॉजिटिव जो किताबें पढ़ने से, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने से, तीन टाइटल्स जो इस कोविड में बड़े पॉपुलर हुए, ट्रेंड जिनका बना, आप समझते हैं वो कौन से तीन सेल्फ हेल्प की सीरीज की तीन टाइटल्स हैं जो कि आप रिकमेंड करते हैं कि इजाज़ ये पढ़ने चाहिए? अच्छा, एक तो मैं रिकमेंड करूंगा व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर. क्या? व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर. When breath becomes air, okay. When breath becomes air, पढ़ें. एक मैं recommend करूंगा एक और किताब which I wanted to highlight. This is a very old book, but a beautiful one. It's called Tough Times Never Last, but Tough People Do. ये मैं जरा लिख लूँ इसके ऊपर, बल्कि मैं इसको लोगों को कहता हूँ. ये क्या बोला आपने? Tough times. Tough times never last, but tough people do. और ये किताब है रॉबर्ट शूलर की. हाँ, ये बड़ा मशहूर राइटर है. ये एक्चुअली अगर मैं इसकी स्टोरी आपको बताऊं तो जो मरहूम ग्रैंडफादर थे मेरे, जिन्होंने एक्चुअली लिबर्टी एस्टैब्लिश किया, ही वाज़ द फर्स्ट जनरेशन, ही हैड ही ऑलवेज यूज्ड टू से दिस कि टफ टाइम्स जो है दे नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू. सो उनको हमेशा मैं याद करता हूँ व्हेनेवर आई थिंक अबाउट दिस बुक. वाह 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 वाह, ये तो बड़ा जबरदस्त. और इसके बाद लास्ट वन दो बताइए आपने. लास्ट में आपको रिकमेंड करूंगा द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ, जो वर्ड है उसका वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, तो इट्स बाय मार्क मैनसन. सटल आर्ट ऑफ सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ. जी ठीक ठीक ठीक. ये किस चीज के बारे में है? दिस इज अगेन सेल्फ हेल्प. और ये किताब ये बताती है कि हम कितनी सारी चीजों के बारे में, इररेलेवेंट चीजों के बारे में वरी करते हैं और अपने गोल्स को जो है वो भूल जाते हैं. मतलब okay. हर छोटी चीज जो है वो हमें बॉदर करती है और इरिटेट करती है, उसके चक्कर में जो है हम अपने गोल्स को ही भूल जाते हैं कि हमें okay. जाना कहाँ है, हमें करना क्या है. सो वी शुड स्टॉप केयरिंग अबाउट अ फ्यू थिंग्स एंड स्टार्ट केयरिंग अबाउट द थिंग्स दैट रियली मैटर. बिल्कुल. ये और जो बीच वाली किताब थी ब्रेथ इन द एयर, इसके ऊपर इसका क्या फिलॉसफी रहे? व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर जो किताब है, इट इज बेसिकली अबाउट अ डाइंग पेशेंट. And in her dreams, she thinks about reliving. And she actually comes back to life from coma. And it is the story of how when she comes back to life, what all she experiences. So that's what When Breath Becomes Air is about. And it is a beautiful book. I would highly recommend it. कि अगर लोगों के पास lockdown में time है तो इसको जरूर पढ़ें किताब. माशा. अच्छा, ये आपने तीनों इंग्लिश की किताबें बताई हैं, अंग्रेजी में हैं, कोई ऐसी किताबें एक या दो जो उर्दू में हों जो हमारे वो ऑडियंस या लोग जो उर्दू पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी को थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो उनके लिए क्या रिकमेंड करते हैं? आई थिंक एक उर्दू की किताब मैं रिकमेंड करूंगा, 100 लफ्जों की कहानी. अरे वो बहुत प्यारी है. वो जैदी साहब की. सॉरी, जैदी साहब क्या नाम इनके राइटर जो है? जैदी साहब. ये बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत खूबसूरत. 100 लफ्जों की कहानी मैं रेकमेंड करूंगा और उमेरा अहमद की मैं रेकमेंड करूंगा. आई थिंक जस्ट स्किपिंग द नेम राइट नाउ, बट उमेरा अहमद की जितनी भी किताबें हैं, देयर वर्थ रीडिंग.
वो तो है, बहुत बड़ी पॉपुलर है ये जो वासफ अली वासफ, कुदरतुल्ला शहाब, इशफाक अहमद, बानो कुदसिया, मुमताज मुफ्ती, इनमें से आप क्या रिकमेंड करते हैं? ये भी लोग बहुत इनके भी फैन हैं। बानो कुर्सिया इज आई थिंक वी हैव गॉटन अ वेरी गुड रिस्पांस फॉर हर फ्रॉम आवर रीडर्स, तो आई थिंक आई वुड हाईली रेकमेंड हर बुक्स, वुड जो डेफिनेटली बानो, लोगों को रीड। उर्दू में भी कोई नए राइटर्स आ रहे हैं उर्दू अदब में? क्योंकि अंग्रेजी में तो सेल्फ हेल्प सीरीज में बहुत ज्यादा है, क्या उर्दू अदब में भी जी कोई सेल्फ हेल्प सीरीज के ऊपर कोई राइटर आपको नजर आया नया वाला? कासिम अली शाह की किताबें जो है बहुत पसंद की जाती हैं। अगर माशाल्लाह, आप सेल्फ हेल्प की बात करें तो ही इज डूइंग वेरी वेल, आई थिंक ही मस्ट बी वन ऑफ द टॉप ऑथर्स इन सेल्फ हेल्प एट द मोमेंट। सेल्फ तो हेल्प अगर के कोई ऊपर। उर्दू में सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करना चाहता है, मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि कासिम अली शाह की किताबें जो है वो जरूर पढ़े। माशाल्लाह, नहीं जबरदस्त, ही इज माई वन ऑफ माई पर्सनल फ्रेंड्स, मेरा अभी आए हुए थे मैनेजमेंट हाउस में। तो अपना समीर, लास्ट जाने से पहले आपकी क्या कोई पॉजिटिविटी, कोई आप कोई अपने बारे में, आपकी अपनी क्या इंस्पिरेशन है, आप क्या क्या कहाँ से, जब आप हमें इलाज बता रहे हैं किताब में पढ़ें ये करें, जब आप व्हेन यू फील लो, जब आप थोड़ा सा लो फील करते हो, स्ट्रेस फील करते हो, तो आप उसमें से कैसे निकलते हो? व्हाट इज योर कोपिंग स्ट्रेटेजी, आपका क्या इलाज है, आप क्या करते हो? आई थिंक व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज के अगर हम इस पैंडेमिक से सर्वाइव कर गए, और इंशाल्लाह हम करेंगे सर्वाइव इससे, तो वी विल डेफिनेटली कम आउट मेंटली स्ट्रोंगर। नाउ व्हेन वी कम आउट मेंटली स्ट्रोंगर, तो वी विल बी मोर केपेबल ऑफ डीलिंग विद चैलेंजेस इन आइदर बिजनेस और एट अ पर्सनल लेवल एज वेल इन अ मोर एजाइल वे। ये तो बात तय है कि मतलब इससे ज्यादा कोई वर्स चीज जो है वो हो नहीं सकती थी। दुनिया बंद हो गई, आपका बिजनेस बंद हो गया, रेवेन्यूज बंद हो गए, बड़े से बड़ा सीईओ, बड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, दे वर हेल्पलेस, दे कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो इट वाज द वर्स्ट सिचुएशन यू कुड हैव बीन इन। और मेरा फिर एंडिंग नोट पे सवाल ये है कि अगर आप इस सिचुएशन को सर्वाइव कर सकते हैं, तो फिर आप क्या क्या चीजें हैं जिनको सर्वाइव कर सकते हैं, वाह वाह, वॉट यानी आर कि दोज? आप, थैंक यू वेरी मच समीर, आपके ना और कोई कहना चाहें जाने से पहले, कोई अच्छी सी कोटेशन, कोई अच्छा सा कोई शेर जो आपके दिल के पास हो, खासकर इन हालात में जो आप शेयर करना चाहें, जो गुनगुनाते हैं, कोई कोई गजल का, गीत का, कोई एक एक जुमला जो आपको, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो देना साथ देखिए, मेरा आपका क्या कोई ऐसा की लाइन है जो आपको मोटिवेट करती है? लाइन से पहले मैं एक चीज जरूर मतलब एडवाइस करूंगा लोगों को, वो ये कि वी हैव टू सेल्फ रिफ्लेक्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी नीड टू डू मोर ऑफ व्हाट्स वर्किंग, वी नीड टू डू लेस ऑफ व्हाट्स नॉट वर्किंग। ट्रू, और एंडिंग जुमला मेरा ये है कि आपकी मेरी जो डीपेस्ट लर्निंग हुई है इस पूरे सिनेरियो में, वो ये है कि मस्ट लर्न टू से नो फॉर अ डीपर यस। वाह वाह, यानी कि आपने अपेरेंटली उसको नो कहना, लेकिन अंदर से डीपर यस है। इट्स अ ब्यूटीफुल लाइन, माशाल्लाह। और कोई जुमला जो आपका कोटेशन को फेवरेट कोई है आपकी, मैंने आपको अपना जो फेवरेट कोटेशन है वो अभी बिल्कुल बता जाहिर किया, एंड दिया? दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन यू नो इट्स बीन गोइंग ऑन इन माय माइंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ, एंड आई थॉट कि माशाल्लाह, आई विल शेयर विद योर ऑडियंस टुडे। जबरदस्त। मैं एक आपकी इस जो आपने आखिर में बोला, मैं आपको एक छोटा सा मैं शेयर कर देता हूँ कि ये सिचुएशन में जो पैंडेमिक की जो डिफिकल्ट है, हमें रिफ्लेक्ट करना है, सेल्फ, जिसके इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं हम बेसिकली नफ्सियात में, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, सेल्फ रिफ्लेक्ट है, और रीइन्वेंट करना है। और रीइन्वेंट करने के लिए जब आपके पास चॉइसेस हैं, वो दो हैं, या तो आप मेंटली स्ट्रांग, आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे जैसे कि आपने बोला, या स्ट्रांगली मेंटल हो जाएंगे, ये दो ही चॉइसेस हैं आपके पास, या मेंटली स्ट्रांग हैं या स्ट्रांगली मेंटल हैं, या आप विक्टम हैं या आप विक्टम बन जाएंगे ऑफ द सिचुएशन एंड द सर्कमस्टांसेस, या विक्टर ऑफ द सर्कमस्टांसेस होंगे, या इम्पॉसिबल हो जाएगा या आई एम पॉसिबल हो जाएगा। तो बिल्कुल ये एक जो जो है ना, कि या आप चांद सितारों पे कमंद डाल देंगे, या फिर आप अपना यहाँ इस दुनिया में नहीं आप कुछ सरवाइव कर सकेंगे। तो ये बहुत जबरदस्त किस्म की एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन रहा समीर, और मैं दुआ करता हूँ कि किताबें जो हैं, लोग जो आते हैं ना, कहते हैं कि अगर पैसों की बात आए तो ये शेर जरूर पढ़िएगा, बताइएगा, अगर महंगी हैं किताबें तो चेहरे पढ़ा करो। तो ये भी बहुत, हर इंसान एक एटम की तरह एक स्टोरी है, और स्टोरी से ही पूरी हमारी जिंदगियों की जो दुनिया बनती है,
हमारे लोगों, हमारे जो ताल्लुकात बनते हैं। तो विद दीज वर्ड्स समीर, थैंक यू वेरी मच। साकिब, बहुत शुक्रिया फॉर अरेंजिंग, और ये बहुत बड़ा लर्निंग हुई। और इंशाल्लाह कराची में आते हैं तो आपके पास आते हैं, और मैनेजमेंट हाउस के साथ मिलके जब भी आप लाहौर आएँ तो मैनेजमेंट हाउस हाजिर है सीओ क्लब। हम वहाँ भी राइटर्स को, नई किताबों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसको मिलके इस कल्चर ऑफ रीडिंग बुक्स को हम प्रमोट करते हैं स्पेशली। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।